हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीटी फिल्म। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट फेमस सिंगर अरिजीत सिंह की लाइफस्टाइल एंड लाइफ स्टोरी के बारे में और जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ खास बातों को। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर आप अरिजीत सिंह के फैन हो तो इस वीडियो को कर देना लाइक। तो इनका रियल नेम है अरिजीत सिंह और प्रोफेशन से ये एक सिंगर, कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। इनका जन्म 25 अप्रैल 1987 जियागंज मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल इंडिया में हुआ था और 2021 के हिसाब से आज इनकी एज 34 ईयर हो चुकी है। अब इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5 फुट 6 इंच और इनका आई कलर ब्लैक और हेयर कलर ब्लैक है और ये नेशनलिटी से इंडियन हैं और रिलीजन से हिंदू हैं। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई राजा विजय सिंह हाई स्कूल मुर्शिदाबाद से की और साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई श्रीपत सिंह कॉलेज जियागंज से की। अब इनके करियर के बारे में देख लेते हैं। तो अरिजीत सिंह ने अपने करियर की शुरुआत फेम गुरुकुल टीवी रियलिटी शो से की थी जो सन 2005 में आए था और उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग रिकॉर्ड किए पर वो कभी रिलीज नहीं हो पाए और संजय लीला बंसाली की फिल्म सावरिया में इनसे सॉन्ग गब्बाया पर वह रिलीज नहीं हुआ, पर इन्होंने कभी हार नहीं मानी। उसके बाद सन 2006 में टीवी रियलिटी शो 10 के 10 दिल ले गए में इन्होंने एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट लिया और ये विनर भी बने। विनर के साथ साथ इनको 10 लाख रुपए प्राइज मनी मिला। इन्होंने लोखंडवाला में अपना स्टूडियो बनवाया और इनका करियर का टर्निंग पॉइंट आया जब महेश भट्ट की फिल्म मर्डर 2 आई जिसमें इन्होंने फिर मोहब्बत सॉन्ग गाया सन 2011 में और ये सॉन्ग आते ही सुपरहिट हो गया और दर्शकों को काफ़ी पसंद आया सॉन्ग। उसके बाद 2012 में इन्होंने एजेंट विनोद मूवी का सॉन्ग गाया राबता जो ऑडियंस के दिलों को छू गया। उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे हिट सॉन्ग गाए जिसमें से कुछ नाम हैं तुम ही हो, इलाही, मैं रंग शरबतों का, कबीरा, ए दिल है मुश्किल, पूछ ना सके, चन्ना मेरेया। और हम आपको बता दें अरिजीत सिंह ने हिंदी फिल्म के साथ साथ तमिल, तेलुगु, बंगाली मूवियों में भी सॉन्ग गाए हैं। तो हमको कॉमेंट करके बताना कि अरिजीत सिंह का कौन सा सॉन्ग आपको बहुत पसंद है। और इसके साथ साथ इन्होंने फिल्म में डायरेक्शन भी किया है। इन्होंने बंगला फिल्म में फिल्म का नाम भालो बसर रोजामचा जो सन 2015 में आई थी उसमें काम किया था। अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। तो इनके फादर, जैसा आप इन फोटो में देख सकते हो, ये प्रोफेशन से एक LIC एजेंट हैं। इनकी मदर, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हो, इनकी एक सिस्टर है जिसका नाम अमृता सिंह है। इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम रूप रेखा बैनर्जी था। इनकी सेकंड वाइफ का नाम कोयल रॉयल सिंह है। इनके दो बेटे और एक बेटी भी है। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको साइकिलिंग, रीडिंग, फोटोग्राफी एंड प्लेइंग बैडमिंटन काफ़ी पसंद है। अब इनकी फेवरेट थिंग्स के बारे में देख लेते हैं। तो अरिजीत सिंह का फेवरेट फूड है भात एंड आलू पोस्टो। फेवरेट एक्टर हैं इनके सलमान खान, अक्षय कुमार एंड मनोज वाजपेयी। फेवरेट एक्ट्रेस हैं इनकी प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण। फेवरेट म्यूजिशियन हैं इनके गुलाम अली, जगजीत सिंह। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं। ये रहते कहाँ पर हैं? तो ये मुंबई में एक अपार्टमेंट में रहते हैं जैसा आप इन फोटो में देख सकते हो। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो अरिजीत सिंह के पास फर्स्ट कार है रेंज रोवर वॉक, सेकंड कार है हमर S3 और थर्ड कार इनके पास है मर्सिडीज बेंज E-क्लास। अब इनकी इनकम के बारे में देख लेते हैं। तो ये लगभग 30 से 40 लाख रुपए पर सॉन्ग चार्ज करते हैं, साथ ही लाइव कॉन्सेप्ट का कम से कम 45 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो इनकी नेटवर्क लगभग 150 करोड़ रुपये है। तो ये थी अरिजीत सिंह की लाइफ स्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और हमको कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।